हमारा एक्वेरियम ना हमारे लिए एक प्राइड, मतलब हाउ डू यू से इन हिंदी, एक गर्व की बात है। और जो भी गेस्ट आते हैं या कोई रिलेटिव्स आता है, फ्रेंड्स आता है, हम लोग थोड़ा शो ऑफ करते ही है ना। लेकिन वो शो ऑफ करते टाइम अगर हमारा ग्लास वगैरह गंदा है तो टाटा फिश। तो एक एक्वेरियम का जो ग्लास है उसे साफ कैसे रखते हैं? सिंपल मेथड्स है, इजी मेथड्स है, आज हम डिस्कस करेंगे। ज्यादातर एक्वेरियम का ग्लास नॉर्मल ग्लास ही है, ठीक है, एक्स्ट्रा क्लियर, ये वो, ये सब मार्केटिंग गिमिक। हाँ, थोड़ा बहुत क्लियर होता है, क्यों? क्योंकि उसमें लेड कंटेंट कम होता है, इंप्यूरिटीज कम होता है, इसलिए थोड़ा क्लियरर लगने लगता है। बट इंडिया में ऐसा कुछ भी फैंसी नहीं है, सिर्फ दो ही चीजों के लिए ग्लास बनता है इंडिया में, और एक है आपका खिड़की के लिए और दूसरा कार का विंडस्क्रीन के लिए, और कोई ग्लास मिलता नहीं। और वही ग्लास आपको भी मिलता है एक्वेरियम बनाने के लिए। तो ये सब थोड़ा गंदा दिखता है, बट फिर भी हम उसे साफ कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल मेथड है, पहले ये समझना है कि गंदगी होता क्यों। ये ग्लास जो है एक साइड है ना, पानी से टच हो रहा है, ठीक है, और कोई भी चीज में आप अगर अंदर पानी डालो तो थोड़ा बहुत स्लाइमीनेस या एल्गे आता ही है, एंड उसके ऊपर हमने लाइट डाला है ऊपर से, तो थोड़ा बहुत एल्गे बिल्डअप होने वाला है। अगर हम ग्लास को साफ रखें तो 80% एक्वेरियम बाहर से अंदर अच्छा दिखेगा। तो अच्छा क्यों दिखना चाहिए भाई? एक्वेरियम का बेसिक रूल है यार, हम इंसान एक्वेरियम इसलिए रखते हैं ताकि हम कुछ एंजॉय कर सके, फिश का ब्यूटी एंजॉय कर सके, कलर एंजॉय कर सके, प्लांट्स का कलर एंजॉय कर सके, ब्यूटी एंजॉय कर सके। और वो ग्लास के थ्रू, या बाहर हम हैं और ग्लास बीच में है, अंदर का हमें अच्छा दिखने के लिए हम लोग एक्वेरियम रखते हैं, और वो ग्लास अगर गंदा है प्रॉब्लम। तो ग्लास कैसे क्लीन करें? ऐसे भी क्लीन कर सकते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लांटेड एक्वेरियम है, लिस्बन जू में है, पोर्चुगल देश में है, एंड ये टैंक को तकाशी अमानो साहब ने बनाया था, एंड हर रोज ये टैंक पब्लिक के लिए ओपन होने से पहले ऐसा ही क्लीन किया जाता है। एंड अगर हम ग्लास क्लीनिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो इससे बेहतर एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता था। चलो अब देखते हैं आप अपना टैंक का ग्लास कैसे क्लीन कर सकते। अभी ये एडीए का ग्लास है, एडीए का ग्लास डिफरेंट है, सफायर क्रिस्टल ग्लास, जैसे आपका आईफोन में आता है या फैंसी वॉच रैडो रिसॉर्ट, वो वॉचेस में जो आता है वो सफायर क्रिस्टल ग्लास है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्क्रैच रेजिस्टेंट है। हाँ, ये एडीए का एडवर्टाइजमेंट नहीं है, मैं सिर्फ समझा रहा हूं। ओ भाई साहब, वेट वन मिनट, स्क्रैच रेजिस्टेंट स्क्रैच प्रूफ नहीं होता है, बहुत लोग गलत समझने वाले हैं। स्क्रैच रेजिस्टेंट का मतलब है कि वो स्क्रैच को रेजिस्ट कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि स्क्रैच नहीं होगा। कुछ भी ऐसा लेके घिस दिया तो स्क्रैच होने वाला है, या ब्लेड भी ठीक से नहीं यूज किया तो स्क्रैच होने वाला है। स्क्रैच प्रूफ नहीं है, स्क्रैच रेजिस्टेंट है। चलो अब अपना बताओ। तो स्क्रैच रेजिस्टेंट होने के वजह से अगर हम एडीए का प्रो रेजर यूज करें, ये बहुत शार्प ब्लेड है, ठीक है, बिकॉज ये स्क्रैच रेजिस्टेंट है और हम लोग क्लीन कर सकते हैं ब्लेड से, तो नो प्रॉब्लम। बट 80% हमारा एडीए ग्लास थोड़ी ना है और वो स्क्रैच रेजिस्टेंट थोड़ी ना है, नहीं है ना। तो अब क्या करें? अब दुकान में जाओ तो वो गंदा सा मैग्नेट मिलता है, इधर से चिपकाओ उधर से चिपकाओ घिसो शी, वो मैग्नेट ज्यादा स्क्रैच करेगा आपका ग्लास, ठीक है। एंड
वो जब चिपकाते हैं वो जो चिपकता है फोर्स क्रिएट करता है, प्रॉब्लम हो सकता है ग्लास में, टूट भी सकता है, पता नहीं। एंड वो बार बार घिसने से ना वो स्क्रैचेस आ सकता है, नीचे से एक कंकर अगर वो मैग्नेट के बीच में चिपक गया तो स्क्रैच करते रहे, ये सब इश्यूज। तो अब क्या करें? चलो ADA का प्रो रेजर ना सही, कुछ कुछ चाइनीज वाले भी मिलते हैं, नॉट बैड, मैं बुरा नहीं बोलूंगा बट डिसेंट है, वो भी ब्लेड टाइप आता है, क्लीन कर सकते हो। एक और मेथड मैंने बहुत पहले सिखाया था, बहुत इजी मेथड है, और वो है एक पुराना कोई क्रेडिट कार्ड या कोई कार्ड, ये जेट एयरवेज प्रिविलेज कार्ड है, अब जेट एयरवेज बंद हो गया, इसमें काम आ सकता है, तो ये हम क्लीन कर सकते हैं, ये भी साफ करेगा, नॉट एन इश्यू, ये तो हो ही सकता है ना। बट हाल ही में मैं कुछ प्रोडक्ट्स चेक कर रहा था और एक और सिंपल प्रोडक्ट मेरे नजर में आया, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, ठीक है, और ये प्रोडक्ट कौन सा है देखो मैं दिखाता हूं, ये प्रोडक्ट है सीकेम का एल्गे पैड, इसमें सिंगल पैड भी आता है, तीन भी आता है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, ये हम लोग ऑफिस में यूज कर रहे हैं, तो यूज करके इसका थोड़ा बैंड बजा हुआ है, बट फिर भी ये क्या है, एक स्पॉन्ज जैसा है, ओके, स्क्रैच नहीं होगा, सॉफ्ट है, एंड जब हम क्लीन करते हैं तो थोड़ा हमारा हाथ का प्रेशर लगता है और ग्लास साफ हो जाता है, एल्गे इसके ऊपर चिपकता है, इसको हम निकाल के एक मग में निचोड़ के वॉश करके वापस यूज कर सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, बहुत यूनिक प्रोडक्ट है। नाउ जरूरी बात क्या है, ग्लास हम लोग जब क्लीन करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ सामने कर दिया हो गया, नहीं, साइड में पीछे भी करना चाहिए, और पीछे जहां तक हाथ जाता है वहां तक करना चाहिए, मतलब यहां पे नीचे सॉइल है एंड आप यहां तक लेके जाए हाथ, जहां तक सॉइल है वहां तक लेके जाए, प्लांट्स को कुछ नहीं होगा, ठीक है, नॉट एन इश्यू, अंदर तक लेके जाके साफ करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज वहां पे अगर आप साफ नहीं करोगे वहां आलगे जमता जाएगा, जमता जाएगा, जमता जाएगा, और बाद में साफ करना बहुत मुश्किल हो, तो वीकली जब आप वाटर चेंज करते हो ग्लास साफ करना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ हम लोग, ये थोड़ा बिजनेस का जगह भी है, गैलरी है, तो हम लोग हर सुबह ऑफिस ओपन होने से पहले या गैलरी ओपन होने से पहले ग्लास को साफ करते जरूर है, अंदर से भी और बाहर से भी। ओ भाई साहब, एक और मेथड है, बहुत इजी मेथड है, बहुत सिंपल मेथड है, कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, चलो मैं बताता हूं, लेकिन आप लोग व्यूअर्स किसी को बताना मत, बहुत इजी मेथड है, जीरो कॉस्ट, बहुत सिंपल है। क्या करना है, एक टिश्यू पेपर लेना है, ठीक है, जब टैंक मेंटेनेंस कर रहे होते हो और पानी नीचे हो जाता है, ठीक है, टिश्यू पेपर अच्छे से पोंछो और ऐसे कोने में साफ करो और ग्लास को भी साफ करो, ठीक है, वो पूरा एल्गे जो भी है कचरा वो निकल जाता है, ये टैंक में उतना नहीं है बट निकल जाता है, ये भी सिंपल मेथड है, ठीक है, ठीक है, अभी मेरा हो गया, आप अपना बताओ। अभी बाहर से कैसे साफ करेंगे, बहुत सिंपल मेथड है, बहुत ही सिंपल मेथड है, ठीक है, मैंने पहले भी बोला है बट फिर से बता देता हूं, ये है ना, इसके लिए लगेगा न्यूज़पेपर का एक टुकड़ा, ये देखो न्यूज़पेपर का टुकड़ा, हाँ अगर अंग्रेजी न्यूज़पेपर है तो ज्यादा अच्छा होएगा, एंड आज का ताजा खबर, ज्यादा कुछ नहीं, ग्लास क्लीन करो, ठीक है, पुराना जो भी न्यूज़पेपर है लो, थोड़ा सा सी ग्लास को ऐसा पानी के छींटे मार दिए और साफ कर दिए, ठीक है, वो साफ हो जाता है। हम लोग रोज साफ करते हैं,
ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बिकॉज आप आ रहे हो, देख रहे हो, आपको अच्छा लगना तो चाहिए ना, और हमें अच्छा दिखाना भी चाहिए, ये हमारा रोज का इंपॉर्टेंट काम है। बट आप एवरी टू डेज या थ्री डेज कर ही सकते, नॉट अ प्रॉब्लम, जब भी आपको टाइम मिले कर लो, या वाटर चेंज के बाद, मेंटेनेंस के बाद साफ कर लो, नॉट एन इश्यू। नाउ अगर आप कोई इंटरेस्टिंग मेथड यूज करते हो ग्लास साफ करने के लिए तो बताओ जरूर, मे बी हम लोग अगले वीडियो में वो भी दिखा देंगे। ये कॉम्प्लिकेटेड वीडियो नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बट बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज इससे हमारा एक्वेरियम बहुत सुंदर दिखेगा। अब तक मैं बहुत सारे एक्वेरियम्स में एक्वेरियम मेंटेनेंस, पानी साफ रखना, ट्रिम करना, एल्गे रिमूव करना, ये सब बता चुका हूं। आज मैं सोचा कि सिर्फ ग्लास क्लीन करने के बारे में बात करेंगे, बिकॉज इतना हम लोग मेहनत करते हैं एक्वेरियम को अंदर से सुंदर रखने के लिए, वो सुंदरता उठ के दिखना भी तो चाहिए, है कि नहीं, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। नाउ बिकॉज जब कोई गेस्ट आते हैं, कोई फ्रेंड्स आते हैं या रिलेटिव्स आते हैं, वो तो अंदर घुसेंगे नहीं, बाहर से ही देखेंगे, तो जब वो बैठे हैं आपके हॉल में, ग्लास चमक रहा है, सुंदर है, और ब्यूटी उसका अंदर से ब्यूटी नजर आ रहा है, तो वो खुश होंगे एंड तारीफ जरूर करेंगे बस कि क्या एक्वेरियम है, और वो हमारा प्राइड, हमारा गर्व थोड़ा बहुत इंक्रीज हो ही जाता है, एंड वी फील ग्रेट, है कि नहीं। तो ये था एक्वेरियम का ग्लास क्लीन करने का वीडियो, शायद ये सबसे सिंपल वीडियो था मेरे लिए, बट वेरी इंपॉर्टेंट था, ओके, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, ओके। तो मैं आशा करता हूं कि आज आपने ये वीडियो से बहुत ही सिंपल सा बात बट इंपॉर्टेंट बात सीखा, जाना, देखा, समझा। एंड एज ऑलवेज मेरे तरफ से, कैमरा वुमन पूजा मैडम के तरफ से, मेरे पूरे टीम के तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज़, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। बहुत जल्दी मिलने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडियाज, टॉपिक्स, वीडियोस, बहुत कुछ आने वाला है, और आप देखने वाले हो, मजा लेने वाले हो, मुझे बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं, बाय।